नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ज़ीरोधा का मोबाइल ऐप यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आपका ज़ीरोधा में अकाउंट अभी अभी खुला है और आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि यार ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म कैसे यूज करें, कैसे स्टॉक्स को बाय और सेल करें, कैसे वॉचलिस्ट में लगाएं स्टॉक को, और एक तरीके से ओवरव्यू आपको अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप ये वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको ज़ीरोधा के पूरे मोबाइल ऐप का एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है, कैसे बाइंग एंड सेलिंग करी जाए स्टॉक्स की, और कौन से ऑर्डर्स हमें लगाने चाहिए एज अ ट्रेडर एज वेल एज एन इन्वेस्टर, कैसे हमारी वॉच लिस्ट बनाए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो एक कंप्लीट ओवरव्यू मैं आपको देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में ज़ीरोधा मोबाइल प्लेटफॉर्म का। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर काइट का ऐप खोलूँगा, मुझे यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए मुझे अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना होगा। अगर आप लोगों का अकाउंट अभी नया नया खुला है और आप पासवर्ड नहीं जानते हैं, तो पासवर्ड आपके मेल पे आया होगा। आप मेल से अपना पासवर्ड रिट्रीव करके वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही मैं अपना पिन वगैरह एंटर करूँगा, ये एकदम जल्दी से लॉगिन हो जाएगा। और जैसे ही मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे पूरी डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं। ये ऐप मेरा खुल गया है यहाँ पे, और मार्केट वॉच में हम ये देख सकते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ये कितना ज़्यादा ऊपर और नीचे हैं। एक्चुअल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी हमें ये बता देता है कि मार्केट ऊपर है कि नीचे है, उसका ट्रेंड क्या है। इसी वजह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे मार्केट वॉच के साइड में जो बटन है, इसको क्लिक करके ये चेकआउट कर सकते हैं। इसके नीचे हमारी फ़ंड्स की इंफॉर्मेशन है। अभी मेरे अकाउंट में 2500 रुपीज़ हैं, तो ये उसको बता रहा है। बाकी यहाँ पे जो इसके नीचे ऑप्शंस है, ये वॉच लिस्ट के ऑप्शन है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी 5 वॉच लिस्ट हैं जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉक आप ऐड और डिडक्ट कर सकते हैं, जिस पर हम अभी थोड़ी ही देर में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 5 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। सबसे पहला ऑप्शन है वॉच लिस्ट का, जिसके ऊपर हम अभी हैं। इसके बाद आता है ऑर्डर्स का ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्डर्स पेंडिंग है, कौन से एग्जीक्यूटेड हैं, GTD ऑर्डर्स कौन से हैं, और ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। इसके बाद अगर मैं पोर्टफोलियो पे जाऊंगा, तो पोर्टफोलियो पे यहाँ पे मुझे अपनी पूरी होल्डिंग्स दिख जाएंगी। जो भी स्टॉक्स मेरे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हैं, जो भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, वो सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आप होल्डिंग के साइड में पोजीशंस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको करंट में जो भी आपने पोजीशंस बनाई हैं आज के दिन में, वो आपको दिख जाएंगी। अभी मैंने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा। अभी हम लोग स्टॉक्स को बाय और सेल करेंगे थोड़ी ही देर में। इसके साइड में आप एक ऑप्शन देख सकते हैं ऐप्स का। अब ऐप्स में ये ज़ीरोधा ने जिन जिन ऐप्स से टाई अप किया है, वो सारे ऐप्स आपको दिख जाएंगे, और ज़ीरोधा के जो खुद के ऐप हैं वो भी आपको दिख जाएंगे, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी सपोर्ट वगैरह और जो भी दूसरी सर्विसेज जो ज़ीरोधा प्रोवाइड करता है, वो सारे ऐप्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इसके साइड में एक और ऑप्शन आता है अकाउंट का। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरी अकाउंट डिटेल्स आपको पूरी दिख जाएंगी, फंड्स कितने हैं और सेटिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब ये बेसिकली इसका ओवरव्यू है। अब हम ये समझते हैं कि स्टॉक्स को ऐड कैसे किया जाए और उन्हें बाय कैसे किया जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी मेरे ऑलरेडी एडेड हैं, लेकिन मुझे करना है ICICI बैंक को बाय। तो मैं यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ICICI। तो मैं जैसे ही टाइप करूँगा, ये मेरे सामने आ गया है। BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंजेस पे ये स्टॉक लिस्टेड है, तो दोनों का आ गया। मुझे NSE से बाय करना है, तो मैं ये NSE वाले पे प्लस का साइन दबा दूँगा। अब ICICI बैंक के साथ मुझे रिलायंस भी चाहिए है, तो मैं रिलायंस को भी ऐड कर लेता हूँ अपनी वॉच लिस्ट में। इसके साथ साथ मैं रिलैक्सो को भी ऐड कर लेता हूँ, वो भी स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर रिलैक्सो को भी ऐड कर लिया। और जब मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगा, तो मैं वापस से यहाँ पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे हमने अपने सारे स्टॉक्स ऐड कर लिए हैं। अब मान लीजिए मुझे ICICI बैंक में एक पोजीशन बनानी है, तो मुझे सिंपली बस ICICI बैंक पे क्लिक करना है, और मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे बाय और सेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अगर इस बाय ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, तो ये मेरे सामने एक विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्वान्टिटी का, जहाँ पर मैं क्वान्टिटी वगैरह एंटर कर सकता हूँ। इसके साइड में प्राइस का ऑप्शन है, जो कि आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर मुझे स्टॉक 690 रुपीज़ पे चाहिए, तो ये आपको दिखा रहा है कि हाँ, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं।
इसके ऊपर आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस आपको और दिख रहे होंगे, एनएससी और बीएससी। अगर आपको एनएससी से बाई करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, अगर आप बीएससी से बाई करना चाहें तो आप बीएससी से भी कर सकते हैं, तो किसी भी एक्सचेंज से आप बाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके नीचे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा आपको प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के ऑप्शन में ये आपको बता रहा है कि इंट्राडे में आपको बाई करना है कि लॉन्ग टर्म में बाई करना है। तो अगर मुझे इंट्राडे पोजीशन बनानी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, और लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी है मतलब मुझे अगर इस स्टॉक की होल्डिंग लेनी है तो मैं लॉन्ग टर्म वाले पे क्लिक करूँगा। मुझे अभी इंट्राडे वाले पे चाहिए मतलब मैं सेम डे अपने स्टॉक को सेल आउट कर दूँगा, तो मैं इंट्राडे वाले पे क्लिक करता हूँ। इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा टाइप का। अभी हमें टाइप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दो ऑर्डर्स हैं मार्केट और लिमिट, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं मार्केट पे क्लिक करता हूँ तो आप इस प्राइस वाले कॉलम को देखिए, ये एकदम ब्लैंक हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मार्केट में जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे ये स्टॉक बाय हो जाएगा। करंट प्राइस अभी चल रहा है 691.60 रुपीज़, तो इस प्राइस पे ये बाय हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना प्राइस सेट आउट कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर मुझे 690 रुपये पे चाहिए तो मैं यहाँ पे 690 पे क्लिक करके इसको सेट कर सकता हूँ। अब मैं जैसे ही यहाँ पे स्वाइप करूँगा नीचे की तरफ, ये मेरा बाय हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है प्लेस्ड। अब हमें ऑर्डर को चेक करने के लिए ऑर्डर बुक में जाना पड़ेगा। मैं जैसे ही इस ऑर्डर टैब पे आया, आप देख सकते हैं कि ICICI बैंक का ऑर्डर डला हुआ है, लेकिन अगर आप पोजीशंस पे देखेंगे तो कुछ भी पोजीशन नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने 690 रुपीज़ का ऑर्डर डाला था। तो अगर मुझे एकदम करंट मार्केट प्राइस पे ही बाय करना है तो मैं इसको एडिट करूँगा। एडिट करने के लिए क्लिक किया, यहाँ पे मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया, और अगर मैं इसको मार्केट पे सेट कर दूंगा इस टाइप में तो यहाँ पे जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा ना उस पर मेरा बाय हो जाएगा। तो अभी देखिए ये मैंने सबमिट कर दिया। अब आप देख सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स में ये मेरा नहीं दिख रहा है, अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। तो अगर मैं पोर्टफोलियो पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये पोजीशन टैब के अंदर ये स्टॉक मेरा बाय हो चुका है वन क्वांटिटी। तो दैट्स हाउ यू बाय स्टॉक्स इन तिरोधा प्लेटफॉर्म। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे फीचर्स के बारे में। अब यहाँ पे मैं अगर ICICI बैंक पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ऐड का और एग्ज़िट का। अगर मैं एग्ज़िट करना चाहूँ तो मैं तुरंत एग्ज़िट कर सकता हूँ। मैंने आपको दिखाने के लिए बस बाय किया था कि कैसे स्टॉक बाय करते हैं, तो वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे एग्ज़िट करता हूँ, तो जैसे ही मैंने एग्ज़िट पे क्लिक किया ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई। तो मैं यहाँ पे बस सिंपली स्वाइप करूँगा और ये मेरा स्टॉक सेल आउट हो जाएगा, ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वांटिटी में ज़ीरो दिखा रहा है, मतलब हमने अपना स्टॉक बेच दिया है, मुझे 70 पैसे का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, जो टोटल PNL है वो आपको ऊपर में दिख जाएगा हर दिन का। और यहाँ पे ज़ीरोधा का इंटरफेस बहुत अच्छा है दोस्तों व्हेन इट कम्स टू इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी अच्छा है। अब हम वापस से ICICI बैंक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर हम इसके नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं व्यू चार्ट और क्रिएट GTT का ऑप्शन है। अगर आप व्यू चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टॉक का चार्ट दिख जाएगा, बाकी बिट किस किस ने लगाई है, किन किन लोगों ने ऑर्डर अपने प्लेस करके रखे हैं मार्केट में ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी मार्केट डेप्थ में। बाकी ओपन क्या था, हाई क्या था, लो क्या था, प्रीवियस क्लोज क्या था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। वॉल्यूम, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, ये जो भी डिटेल्स होती हैं, जो भी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी एट अ सिंगल क्लिक। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और अब अगर मुझे किसी स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं यहाँ पर सिंपली वॉच लिस्ट में जाऊँगा, और जैसे मान लीजिए अगर मुझे रिलैक्सो के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं ये रिलैक्सो पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाऊँगा तो आप यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन देख सकते हैं। ऐप्स के अंदर मैं फंडामेंटल और टेक्निकल चीज़ें चेक कर सकता हूँ। अगर मैं फंडामेंटल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि ये रिलैक्सो कंपनी करती क्या है। रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ फुटवेयर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो भी फंडामेंटल मेन इन्फॉर्मेशन होती है जैसे PE रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, क्या रिटर्न है, कैसा बिजनेस करती है, ये सारी चीज़ों का आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा दोस्तों। अर्निंग कब आने वाली है, कैसा क्या डिविडेंड दिया है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। यहाँ पे टेक्निकल पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो टेक्निकल पे मुझे ये बता देगा कि शॉर्ट टर्म में मुझे क्या इसमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि बेयरिश सिग्नल मुझे दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसके हिसाब से मुझे नहीं बाय करना चाहिए। अगर मैं वनडे पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक बुलिश है। तो दैट्स हाउ यू कैन चेक टेक्निकल्स वेरी इजली इन ज़ीरोधा।
तो इस टाइप से आप स्टॉक्स को ऐड वगैरह करके इनकी डिटेल्स देख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि स्टॉक्स को डिलीट कैसे किया जाए। अब मान लीजिए मैंने रिलैक्सो की इन्फॉर्मेशन देख ली, अब मुझे इसको डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको होल्ड करूँगा रिलैक्सो को, और यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ गया है। अगर मैं रिलैक्सो के साइड में इस डस्टबिन को क्लिक करूँगा तो ये स्टॉक डिलीट हो जाएगा। अगर मैं रिलायंस को भी डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको भी ईजिली डिलीट कर सकता हूँ, और मैं जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करूँगा मेरे सारे स्टॉक्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं स्टॉक्स को बाय और सेल करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आर चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे ऐसा इंडिकेशन मिलेगा कि मुझे इस टाइप के वीडियोज़ और बनाने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में।